स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपके पास हाइड्राइड्स होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड कहलाते हैं। मेटालिक हाइड्राइड की डेफिनेशन होती है, अच्छा मेटालिक हाइड्राइड कब बनते हैं, जब आपके पास देखें जब आपके पास ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टीशियल हाइड्राइड, इनको इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गैप्स स्पेसिस मौजूद होते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेसिस। एंड स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं क्योंकि ये कोई इनकी कोई केमिकल इक्वेशंस नहीं होती, इसलिए इनको स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सिमिलर विद मेटल्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल में है H2FeCO4, ये इनकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हाइड्राइड होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्या होते हैं, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ ग्रुप 2A यानी बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो हाइड्राइड बनाते हैं वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहलाते हैं, ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है BeH2N और MgH2N, यानी N यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमर, लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, दीज मोनोमर्स आर पॉलीमराइज एंड फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ये जो मोनोमर्स होते हैं ये पॉलीमराइज, ये क्या करते हैं, आर पॉलीमराइज, यानी आपके पास पॉलीमराइज होते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिटवीन आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बिटवीन होती हैं, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्पल दिख रही है, देखें ये पॉलीमर हाइड्राइड है, बेरिलियम ने हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन ने बेरिलियम से, फिर इस तरीके से ये आपके पास क्या बना रहे हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट जो आपके पास हाइड्राइड कहलाते हैं वो कहलाते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट ऑफ 1A, 2A एंड सम एलिमेंट ऑफ 3A सच एज इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड मेटेलिक हाइड्राइड। इनकी एग्जाम्पल है कॉपर हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड एंड जिंक हाइड्राइड। तो ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कहलाते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके पास आयोनिक हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड के बिटवीन होती हैं, ठीक है। तो अब यानी यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि जब आपके पास हाइड्रोजन कुछ एलिमेंट यानी जैसे इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इनके साथ रिएक्ट करता है तो वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो कहलाता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क होती है कि हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस किया जाए। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1A के साथ हम देखते हैं कि जब ये हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ किस तरीके से रिजेम्बलेंस करते हैं, तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हम कहाँ प्लेस करें। अगर ग्रुप 1A के साथ प्लेस करते हैं तो उसकी क्या वजह होंगी, यानी किन रीजंस की बिहाफ पर हम इनको ग्रुप 1A के साथ जो है वो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनडिसाइडेड। अच्छा ये अनडिसाइडेड है, आगे जाके बताता हूँ क्यों डिसाइडेड होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1A के एलिमेंट और हाइड्रोजन में क्या क्या सिमिलैरिटीज मौजूद होती हैं। ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वो और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर भी एक एस, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं उनमें भी एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो यहाँ से ये दोनों रिजेम्बलेंस रखते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो +1 शो करता है, और जो आपके पास ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 1 होती है। रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन और ग्रुप 1A दोनों जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है,
इसी तरीके से ग्रुप वन ए के जो एलिमेंट होते हैं, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अभी आपके पास क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। तो इनके रिएक्शन भी क्या है, सिमिलर है, जबकि दोनों आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। इसी तरीके से दोनों यानी हाइड्रोजन भी और ग्रुप वन ए के एलिमेंट भी कैट आइन प्रोड्यूस करते हैं, यानी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव जो आपका आइन होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पर कैथोड होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बोथ कैन बी रिड्यूस एट कैथोड, दोनों जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जाके रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ तो स्टूडेंट हमने 1A की क्या पढ़ी, रिजेम्बलेंस पढ़ी। अब देखते हैं कि क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। देखो सबसे पहली डिससिमिलैरिटीज में आता है फिजिकल अपीयरेंस। हाइड्रोजन आपको मालूम है एक अदद गैस होती है, जबकि ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिफरेंट, यानी यहाँ पे दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, आपके पास गैस है। अगर नेचर की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, जबकि ग्रुप 1A वाले तमाम के तमाम क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, यानी हाइड्रोजन जो होता है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, दे ओनली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, व्हाइल हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो इट कैन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो आपके पास ग्रुप 1A के जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, जबकि ग्रुप 2A, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। तो ये भी आपके पास डिसिमिलैरिटीज हो गई। स्टेबिलिटी पर अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन यानी अल्कली मेटल्स freely exist as cation in aqueous solution, while H positive does not exist freely but in solvated form H3O। देखिए वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास जो cation होते हैं alkali metal के वो stable होते हैं, यानी sodium chloride को जब आप water में डालोगे तो Na positive Cl negative exist करता है, यानी freely exist करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन का जो H पॉजिटिव आयन होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है वाटर के साथ मिलकर। तो इसका मतलब ये है कि अल्कली मेटल्स के जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होता है। तो ये भी डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एच नेगेटिव आयन बनाता है, जबकि अल्कली मेटल्स वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। तो इन तमाम के तमाम डिससिमिलैरिटीज की बिहाफ पर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसे ग्रुप 1A के साथ नहीं रख सकते। फिर अगर हम इसको ग्रुप 4A के साथ कंपेयर करें तो ग्रुप 4A और हाइड्रोजन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4A एलिमेंट इज हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड होता है, ग्रुप 4A के एलिमेंट का वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से दोनों की नेचर भी सेम है, यानी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, ग्रुप 4A वाले भी नॉन मेटल होते हैं। इसी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए ट्रेंड वैल्यू की तो दी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज सच एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर नियरली सिमिलर। यानी जो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, ये ट्रेंड वैल्यूज होती हैं एक्सक्लूडिंग एटॉमिक साइज। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो ट्रेंड वैल्यूज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, वो मैच कर रही होती हैं किस चीज़ से, कार्बन से, तो ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 होती है, यानी बहुत नियरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है
वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विथ फोर। अच्छा, डिससिमिलैरिटीज पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस डेट पे, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A आर सॉलिड वाइल हाइड्रोजन इज गैस। यहाँ पर अगेन एक प्रॉब्लम आ गई कि ग्रुप 1A वाले जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, गैस होती है। वैलेंसी पर अगर बात करें तो हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, प्लस वन होती है, जबकि ग्रुप वन ग्रुप फोर ए के जो एलिमेंट होते हैं दे आर टेट्रावैलेंट, इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, टेट्रावैलेंट होती है। अगेन प्रॉब्लम आ गया। अगर ऑर्बिटल पे बात करें तो वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली एस ऑर्बिटल, के आपके पास जो जो वैलेंस शेल होता है हाइड्रोजन का उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल मौजूद होता है, ठीक है। वेयर एज वैलेंस शेल कंसिस्ट ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, जबकि जो आपके पास ग्रुप 4A के जो एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस शेल के अंदर एस और पी दोनों ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो जब आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो होती है 1s2, 2s2, 2p2, यानी उसके वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल भी होता है और पी ऑर्बिटल भी होता है, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल मौजूद होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जबकि ग्रुप 4A के एलिमेंट को 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अगेन प्रॉब्लम आ गई भाई, अभी तो सिमिलैरिटीज देख रहे थे, यानी सिमिलैरिटीज भी थी, अब डिससिमिलैरिटीज भी आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो अगर हम बात करें नेचर ऑफ कंपाउंड की अगर बात की जाए तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड वाइल हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A को 4A के जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या क्या बना सकता है, कोवेलेंट भी बना सकता है और आयोनिक भी बना सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि भाई ग्रुप 4A से कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। जैसे स्टेट हाइड्रोजन की गैस है, ग्रुप 4A वाले सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो आपको मालूम है, वो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, जबकि ग्रुप 4A की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसी तरीके से जब हमने देखा कि ऑर्बिटल्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में सिर्फ एस और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, जबकि ग्रुप 4A वालों के पास एस के साथ साथ पी भी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बात की जाए तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, जबकि हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर नेचर ऑफ कंपाउंड की बात की जाए तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड वाइल हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अगर हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं 7A के साथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं, यानी 7A ग्रुप 7A के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, जिसको हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप 7A को हैलोजन फैमिली कहा। सबसे पहले यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहली सिमिलैरिटीज़ है केमिकल नेचर, बोथ आर नॉन मेटल, ठीक है, दोनों की जो नेचर है वो कैसी है, नॉन मेटल है। अच्छा भाई, थर्ड है एटॉमिसिटी, यानी एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, फॉर एग्जांपल क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म के अंदर होता है। तो दोनों की जो आपके पास दोनों की क्या चीज़ सेम है, दोनों की यानी हाइड्रोजन की भी और आपके पास क्लोरीन, दोनों की जो है हाइड्रोजन और ग्रुप 7A वाले जो हैं दोनों डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड जो है आपके पास वो है गैशियस नेचर, कि ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो सम मेंबर, हाइड्रोजन एंड सम मेंबर ऑफ ग्रुप 7 है सच एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। तो इन दोनों में ये भी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम ही हो गई कि हाइड्रोजन जो है वो भी आपके पास जो है वो गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ग्रुप 7A के जो एलिमेंट होते हैं वो भी गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, यानी दोनों एनायन बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और हाइड्राइड आयन बनाता है, जबकि ग्रुप 7A वाले भी क्या बनाते हैं, आपके पास हाइड्राइड आयन बनाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, दोनों को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा कि सिमिलैरिटीज क्या क्या थी, पहली थी आपके पास
यानी अगर पहली सिमिलैरिटीज पर बात की जाए तो वो क्या है, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों जो है वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। गैशियस नेचर की बात की जाए तो हाइड्रोजन भी गैस है, ग्रुप सेवन ए के एलिमेंट भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। और अगर एन आइन की बात की जाए तो हाइड्रोजन भी एन आइन बनाता है, ग्रुप सेवन ए वाले भी एन आइन बनाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात की जाए तो बोथ रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट देयर वैलेंस शेल, दोनों को अपना वैलेंस शेल कम्प्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज की, कि भाई डिससिमिलैरिटीज क्या क्या मौजूद हैं। तो डिससिमिलैरिटीज जो हैं वो हैलोजन से क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिटल की। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इंटर इन एस ऑर्बिटल वाइल दैट ऑफ हैलोजन इंटर पी ऑर्बिटल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का वो इंटर होता है एस ऑर्बिटल में, जबकि जो आपके पास हैलोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर होता है पी ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट जो डिससिमिलैरिटीज मौजूद है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, यानी जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है। देखो हमने पहली क्या बात की, कि पहली ये है कि हाइड्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, जबकि हैलोजन का लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगर हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पर बात करते हैं, तो मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन ऑफ हैलोजन लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। वाइल मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एच नेगेटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सिंस एच टू इज फॉर्म इमीडिएटली। वो कह रहे हैं कि भाई एच नेगेटिव आयन जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करके फौरन से हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ग्रुप सेवन ए के जो एनाइन होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी डिससिमिलैरिटीज हो गई। नेक्स्ट अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज मच लेस देन हैलोजन, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा कि कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी हमें ये बात पता चली कि देयर आर मोर डिसिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू सिमिलैरिटीज, हैंस नो पोजिशन टू गिव हाइड्रोजन, यानी ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की डिसिमिलैरिटीज हैं एज कम्पेयर टू सिमिलैरिटीज, इस बिहाफ पर हम हाइड्रोजन को कोई पोजिशन नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर भी जो है, हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कम्प्लीट होता है। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई भी कोई क्यूरीज वगैरह हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।